नमस्कार, मेरा नाम आयुषी और राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी सभी बड़ी खबरों को देखने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, अडानी अंबानी ग्रुप से सतर्क हो जाएं किसान। सोलन मंडी में नारेबाजी को लेकर एक आड़ती ने टिकैत का विरोध किया तो माहौल गर्मा गया। टिकैत समर्थक बिगड़ गए व माहौल तनावपूर्ण हो गया। एशिया के सबसे ऊंचे गांव कौमिक पहुंचे हिमाचल के राज्यपाल और लोगों से की बात। राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र की संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाज समृद्ध है। यहां के लोगों ने अपनी इस पहचान को कायम रखा हुआ है। हिमाचल में एक खेल का एक ही होगा संघ, नेता हिट विकेट। 1 जनवरी 2020 को युवा सेवाएं एवं खेल विभाग ने कई खेल नीति के ड्राफ्ट को अधिसूचित किया था। बीते 2 सालों से फाइलों में घूम रही नई खेल नीति अब लागू होने की कगार पर पहुंच गई है। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की प्रैक्टिकल परीक्षाओं का स्केड्यूल किया जारी। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव अक्षय सूद ने बताया कि 10वीं और 12वीं कक्षाओं के नियमित परीक्षार्थियों की अनुपूरक प्रैक्टिकल परीक्षाएं संबंधित परीक्षा केंद्रों में लिखित परीक्षा के बाद होगी। मंडी में 34 घंटे बाद बहाल हुआ चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे लगभग 34 घंटे बाद बहाल कर दिया गया है। बीते दिन भूस्खलन के कारण हाईवे बाधित हो गया था। SP आशीष शर्मा ने बताया कि हाईवे पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। हिमाचल के स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षकों के 4000 पद भरने की प्रक्रिया शुरू। शिक्षा सचिव ने शिक्षा निदेशकों को जारी पत्र में बैचवाइज भर्तियों के लिए जिला उपनिदेशकों को आदेश देने को कहा है। इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को सीधी भर्ती करने के लिए संपर्क करने को कहा है। मंडियों में लूट का खेल, बागवान पेटियों में ला रहे हैं 34 किलो सेब, कीमत मिल रही है 20 किलो की। बागवान अक्सर शिकायत करते हैं कि उनको सेब की फसल के दाम किलो के हिसाब से नहीं दिए जाते। टेलीस्कोपिक काचन में 34 किलो तक सेब भरकर मंडियों में लाने को कहा जाता है और सेब की कीमत 20 किलो के हिसाब से दी जाती है। सेना भर्ती 2022 की सेना भर्ती रैली में भाग लेने का आखिरी मौका, आज ही कराएं रजिस्ट्रेशन। इनके लिए 16 जुलाई से आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी थी। इनमें भाग लेने के इच्छुक युवा अभ्यर्थी सेना की वेबसाइट पर जाकर आज ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तत्तपानी से कोल डैम तक ले सकेंगे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का लुफ्त। विभाग ने शुरू की नई सुविधा। पर्यटन विभाग के निदेशक अमित कश्यप ने बताया कि इस सुविधा के शुरू होने से तत्तपानी में सैलानियों की संख्या से इजाफा होगा। उच्च गुणवत्ता सेब की कम कीमत पर बागवान ने उठाया सवाल तो आढ़तियों ने माल खरीदने से किया इनकार। ठियोग ने मतियाना भराड़ा के बागवान रमेश शर्मा शुक्रवार सुबह 5:30 बजे भुट्टा कुपुर फल मंडी पहुंचे। 46 बॉक्स की बोली खरीदारों ने सिर्फ 1290 रुपए लगाए। ऐसी खास और महत्वपूर्ण खबरों को सुनने और देखने के लिए जुड़े रहें राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।